हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मणिपद में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अपेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्यों आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे और इसका रीजन क्या है। क्या इसका रीजन वो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, जैसे कई लोगों के सवाल होते हैं कि हम टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं, इस तरीके के लोगों से घिरे हुए हमेशा हमें लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, वो रीजन है हमारे ग्रो ना कर पाने के। तो क्या सच में वही रीजन है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम निगेटिविटी की तरफ ज्यादा अपना झुकाव बना लेते हैं, हम टॉक्सिक हो जाते हैं और दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि उनकी वजह से हमारा काम नहीं बन रहा, जबकि खुद हमारी कमियों की वजह से हमारा काम नहीं बन रहा होता है। तो क्या ये रीजन है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे। जो मैंने आपको दूसरा रीजन दिया है ना, इसको लेकर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग नाराज ना हो, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ और ऐसा कुछ निकल कर आता है कि आपकी गलती है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो वो सुनकर लोगों को गुस्सा आ जाता है। जबकि मुझे ऐसे लगता है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि आपको ये पता चला कि इश्यूज क्या हैं, राइट। वैसे क्या है कि अगर मैं ये सोचूं कि मुझे रीडिंग करनी है और लोगों को खुश करना है, तो मैं दूसरों को ही ब्लेम करूंगी, क्योंकि वही लोगों को अच्छा लगता है कि दूसरे को ब्लेम करो और हमें अच्छा महसूस हो, राइट। तो मैं वही करूं कि हाँ मुझे तो लाइक्स मिलेंगे, मुझे तो कमेंट्स मिलेंगे और लोग मेरी तारीफ करेंगे, तो दूसरों की बुराइयां कर दो और इनकी भलाइयां कर दो एंड दैट्स इट। आराम से वीडियो अपलोड करो और जाकर सो जाओ, मस्त रहो, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे और बहुत बढ़िया है, राइट। अगर मैं इस तरीके से सोचूं तो ये तो बढ़िया है ना मेरे लिए, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग रीडिंग देखने आए हैं भाई उनका भला हो, राइट। क्योंकि ये मेरी भी ड्यूटी है, अगर मैं ईमानदारी से अपना काम नहीं करूंगी तो मुझे बुरा लगेगा और जो सामने वाला है वो रीडिंग देखेगा उसको भी कोई फायदा नहीं होगा। जो भी 15 मिनट्स या 30 मिनट्स आप निकालते हो रीडिंग के लिए, रीडिंग देखना आपका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, दूसरे का दोष हो गया, आपका कोई दोष नहीं है, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, फिर परेशानियां तो वहीं के वहीं हैं, वो तो हटी नहीं रीडिंग देखने के बाद भी, है ना। तो मैं बताती हूँ लोगों को कि भाई यहाँ पर दूसरे की प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम है, ताकि आप काम कर सके। अगर दूसरों की तरफ से प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताती हूँ कि बाहर कैसे निकलो। आपके अंदर इश्यूज हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि आप उससे बाहर कैसे निकलो, राइट। तो इसके लिए मैं बस यही कहूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी रीडिंग में आता है ना उसको देखें, उसको समझें, नाराज ना हो, ओके। अदरवाइज तो वही है कि फिर मैं मीठी मीठी बातें करूंगी, रीडिंग देखने में तो अच्छी लगेगी लेकिन प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो आप मुझे बता देना कि आप क्या देखना चाहते हैं इस रीडिंग में, वो भी बता देना, कमेंट कर देना कि आप क्या चाहते हो, आप सच सुनना चाहते हो या फिर आप शुगर कोटिंग चाहते हो, तो मैं कर दूंगी, मुझे बड़े अच्छे से आता है करना। हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ इसमें, तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो मैं वही बातें करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सो आज की रीडिंग में काफी कुछ होगा और आज की रीडिंग में तो जो सच है मैं वही बोलूंगी। अगर सामने वाले की तरफ से दिक्कत आती है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उसका रीजन आपको बताऊंगी, रेमेडीज बताऊंगी कैसे आप बाहर निकले। अगर आपके साथ में कोई दिक्कत है तो वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट रीडिंग मैं उसी आधार पर करूंगी जो आपके कॉमेंट्स होंगे, जो आप सुनना चाहते हो, ओके। ऑलराइट, तो ये रीडिंग जैसे कि मैंने कहा कि ग्रुप के आधार पर है और हाँ आप इंट्यूशन से भी अपने लिए पेबल्स चूज कर सकते हो, मैंने ऑब्जेक्ट्स भी रखे हैं तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं आपके, ये ग्रुप नंबर वन है, यहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पर है ग्रुप नंबर टू, यहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं, तो आपको आपका बर्थ मंथ तो पता ही होगा, राइट। तो उसी के आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, रीडिंग देख सकते हो। अब जिन लोगों को ग्रुप सिलेक्शन पसंद नहीं आता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ग्रुप सिलेक्शन नहीं चाहते हैं, तो वो लोग पेबल चूज कर सकते हैं। यहाँ पर दो पेबल्स हैं, एक ग्रीन जेट है, दूसरा क्लियर कॉर्ड्स, तो आप देख लो कौन सा आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों में कन्फ्यूज ना हो, टिके रहें अपने डिसीजन पर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं इंट्यूशन से भी चूज करते हैं फिर ग्रुप भी देखते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इसके लिए तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना कि मैं जो चूज कर रही हूँ वो सही है, ठीक है। तो आप उसके आधार पर अपनी रीडिंग देख सकते हो।
ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। यहाँ पर बज रहा है ढोल किसी की शादी लगता है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। और हाँ गाइज, आप फ्री रीडिंग्स के लिए अगर एनर्जी चेक इन देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका अलग इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, वो वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। फ्री रीडिंग सेशंस के लिए जो इंस्टाग्राम है उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रही बात फ्री रीडिंग सेशंस की, कई लोग बोलते हैं कि आप लेकर क्यों नहीं आते जल्दी जल्दी से, इसलिए मैं लेकर नहीं आती क्योंकि फ्री रीडिंग सेशन भी मैं लेकर आऊं और फिर गालियां भी पड़ती हैं, ऐसा होता है फ्री रीडिंग सेशन में गाइज। जैसे मेरे पास अगर 30 या 40 मिनट्स मिलते हैं जो भी मुझे शेड्यूल में, वो निकालकर मैं रीडिंग करती हूँ, कॉमेंट्स इतने सारे आ जाते हैं, अब सभी का रिप्लाई मैं कैसे करूं, राइट? तो उस जो भी 30-40 मिनट्स होते हैं उसमें जितने लोगों का रिप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ। मैं बस ये प्रे कर लेती हूँ कि यूनिवर्स आप देख लो कि किसका रिप्लाई जाना चाहिए किसका नहीं, उस तरीके से मैं करती हूँ। अब कमेंट्स आ रहे हैं 1000-2000, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? तो फ्री रीडिंग भी करूं उसमें एनर्जी भी लगती है, क्योंकि जब हम रीडिंग करते हैं ना, कार्ड रीडिंग करते हैं, तो हमें एनर्जी एक्सचेंज चाहिए होता है। ओके, सिर्फ एनर्जी अगर हम देते रहेंगे ना तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्री रीडिंग सेशन का हम लोगों को ऐसे ही बोला जाता है कि अवॉइड करो क्योंकि फिर आपकी हेल्थ पर असर बैठेगा। बट फिर भी मैं ये सोचकर करती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो क्या करें, तो फ्री रीडिंग सेशन करती हूँ लेकिन बदले में मुझे गालियां मिलती हैं। ओके, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लेकर नहीं आती, मेरा मन नहीं करता। अभी पहले मैं लेकर आती थी और जल्दी जल्दी लेकर आती थी, मुझे अच्छा लगता था लेकर आना, लेकिन फिर इतनी बुराइयां लोगों ने करी, इतनी बातें मुझे सुनाई, तो मेरा मन बैठ गया है उससे। बट फिर भी मैं आज कर रही हूं, तो आप ज्वाइन जरूर करें। एंड आज भी जब मैंने पोस्ट डाला ना, तो वहां पर भी मुझे ऐसे ही कॉमेंट्स आ रहे थे, रिप्लाई तो आप करेंगे नहीं, ये वो, कैसे पॉसिबल है यार। मैं ये भी बोलती हूँ कि मैं हर हफ्ते कर दूंगी तो किसी ना किसी दिन तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी लोग बातें सुना देते हैं। तो आप देख लेना, आपको अगर ठीक लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रीन जेट को चूज किया है और ये वाला ग्रुप चूज किया है जहां पर बर्थ मंथ्स हैं जनवरी मार्च जून जुलाई सितंबर नवंबर, ओके, जनवरी मार्च जून जुलाई सितंबर नवंबर, तो चलिए देखते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे, क्या इश्यूज हैं, किसकी वजह से आप अटके हुए हैं और आपका काम नहीं बनता, और कब तक बनेगा ये भी देखेंगे, ठीक है? और हाँ, मैं जो बातें आपको बताऊंगी और कुछ फॉलो करने के लिए कहती हूँ ना, प्लीज उसको फॉलो करना, प्लीज 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 प्लीज, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा, फिर आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे और फिर बोलेंगे रीडिंग में ऐसा आया था लेकिन हुआ नहीं। ट्रस्ट करिए, रीडिंग में जो भी आता है वो पक्का होता है, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ता है वो रेमेडीज जो हम शेयर करते हैं, जो गाइडेंस हम शेयर करते हैं। एंजल्स की तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं है ना गाइज, वो तो आपको प्यार ही करते हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं रहे और वो चीजें फॉलो कर नहीं रहे जो उन्होंने बताई है, तो कैसे काम बनेगा यार, बताओ। मैं अगर सामने हूं ना तो आपसे जबरदस्ती वो सब फॉलो करवा लूं, लेकिन आप हैं जहां पर मैं आपको बुला लूं कि भाई इस सेंटर पर आइए, मैं आपको सिखाऊंगी, ये सब कुछ करवाऊंगी, राइट? तो मुश्किल हो जाती है, अदरवाइज तो मैं डांट लगा लगा के करवाऊं। तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ये सब, मैं सिर्फ आपको बता पाऊंगी कि देखो ये चीज आपको करने के लिए बोली जा रही है, मेडिटेशन करो या योगा करो, कौन सा योगा करो, कौन सी टेक्निक अपनाओ, है ना? लेकिन करना आप नहीं है, आप रेगुलरली नहीं करोगे तो कैसे काम होगा यार। फिर आप लोग निराश हो जाते हो कि लो हमारा काम नहीं बना, मैं रीडिंग में बोला था फिर भी नहीं हुआ, कैसे होएगा? पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं ना, उनसे पूछो, उनका तो काम बनता है ना? अब मैं ये नहीं कह रही कि आप पर्सनल रीडिंग्स लो, क्योंकि मैं अभी कर ही नहीं रही हूँ, मैं नहीं कर रही अभी, ठीक है? मैं बता रही हूँ कि जब वो रीडिंग्स लेते हैं ना, तो जो मैं उनको बोलती हूँ फॉलो करने के लिए वो करते हैं, और क्योंकि वो कनेक्ट रहते हैं तो मैं उनको बार बार पुश भी करती रहती हूँ कि अभी करो ये करो ये करो, ये हो जाता है। अब अगर कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं है ना, तो खुद को मोटिवेट करो ना, खुद के मोटिवेटर बनो। मेरे लिए मुझे कौन मोटिवेट करता है? कोई नहीं करता, मैं तो खुद ही करती हूँ खुद को, है ना? ये बोल रही हूँ। चलो भाई देखते हैं कि क्या कुछ आता है। मैं सारे कार्ड एक साथ ही निकाल लूंगी पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या है और फिर करना क्या है,
ठीक है। हाँ जी हाँ, लेकिन मैं नहीं लूंगी, जस्ट मैंने गाइस यहाँ तो कार्ड्स ही गिर पड़े सारे। ओके गाइस, मैं फिर से शफल कर रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर, फोर ऑफ कप्स, मजिशियन, लवर्स, मून। इतने कंफ्यूज्ड हो आप और इतना ज्यादा लो एंड डार्क एनर्जी में रहते हो, कैसे कोई काम बनेगा यार, कैसे होएगा? आपकी एनर्जीज जो है ना, सबसे पहली चीज वो बैलेंस्ड ही नहीं है। जैसे हमारे अंदर जो एनर्जीज होती है ना, मैंने कई बार आपको बताया है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है हमारे अंदर, इन एंड यांग भी जैसे कहते हैं, राइट? तो उनका संतुलित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो संतुलित नहीं है ना, तो हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। तभी तो जब हम इनर वर्क के बारे में बात करते हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि आप अपने अंदर की इन एनर्जीज को ना बैलेंस में लेकर आओ, बाद में कुछ और करना, पहले इसको बैलेंस में लेकर आओ। शिव शक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और वो दोनों ही एनर्जीज ना आपकी अनबैलेंस्ड है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ना तो आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, ना ही प्रोफेशनल। और अगर प्रोफेशनल लाइफ हम देख भी लें, जैसे कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं। थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा भी सेल्फ केयर नहीं करना, सेल्फ लव नहीं करना, बस पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तो मैस्कुलिन एनर्जी इतनी ज्यादा भारी पड़ रही है आप पर कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना कहीं गुम हो गई है, जो कि बहुत गलत है। हम सभी के अंदर ना ये एनर्जीज का बैलेंस होना चाहिए। हम तभी खुद को प्यार कर पाएंगे, तभी हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे, और तभी हमारी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो पूरी हो पाएगी। और ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी तब भी आती है जब हम फॉरगिव नहीं कर पाते किसी को या खुद को, तब भी ऐसा होता है। बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाना, डिसिप्लिन्ड हो जाना, डिसिप्लिन होना गलत नहीं है, लेकिन लिमिट से ज्यादा वो गलत है। ओके, अपना प्रैक्टिकल साइड ही लोगों को दिखाना और खुद को भी दिखाना। अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दबा देना, नहीं हमें इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल होकर नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल होकर लाइफ जीनी है, फैसले लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं, लेकिन हर जगह प्रैक्टिकल होना गलत है, ठीक है? वही जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। आप जो भी चाहो वो जीत सकते हो, लेकिन पता है दिक्कत कहां पर आती है? आप कंफ्यूज्ड हो, और जब आप कंफ्यूज्ड सिग्नल्स यूनिवर्स तक पहुंचाते हो ना, तो वो रिजल्ट भी वैसा ही देती है, राइट? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कैसे समझाओ, जैसे आपको कोई डिश बनाने के लिए बोला गया किचन में, ओके, और आपको दो सब्जियां दी गई, आपने दोनों सब्जियों को मिक्स करके एक डिश बनाया, तो मुश्किल हो जाएगा नाम देना कि ये इस सब्जी का है या फिर उस सब्जी का है, राइट? जो भी डिश बनेगी कंफ्यूज होगी, आप उसका नाम सोचोगे और नाम रखोगे। और वहीं अगर कोई एक सब्जी आपको दी जाए और आपको बोला जाए इसका डिश बनाओ, तो आप सीधा उसका नाम बोल दोगे कि इसकी सब्जी बनी हुई है ना? क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ताकि आपको समझ आए। तो बिल्कुल वैसा ही है, जो सिग्नल आप देते हो ना यूनिवर्स को, वही आउटकम आपके पास आता है, वही रिजल्ट आपके पास आता है। आपने दो तरीके के सिग्नल्स दे दिए, एक तरफ तो बहुत पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, राइट? या कंफ्यूज्ड सिग्नल्स, तो यूनिवर्स भी वैसा ही आउटकम आपको देती है, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि ये मांग क्या रहा है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये इसने कुछ मांगा तो है, अब कुछ देना तो है, तो ये लो। कंफ्यूजन आप उनको दे रहे हो, वो बदले में आपको दे रहे हैं, यही हो रहा है, ठीक है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है आपके साथ। ऑलराइट, थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालो, रिलैक्स करो।
अभी मैंने किसी की रीडिंग करी थी जिनके लिए आया था कुकिंग करने के लिए, कि वो कुकिंग करें और अगर वो कुकिंग करेंगे तो उनको काफी अच्छा फील होगा और उनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें देखने में तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या कुकिंग क्या है, सिलाई कढ़ाई क्या है, ये तो घर के काम है, झाड़ू पोछा कर दिया उसमें क्या, हम तो झाड़ू लगाएंगे नहीं अपने घर में, हम तो सफाई करेंगे नहीं, हम तो प्रिंसेस हैं, प्रिंस है ना, ये चीजें रहती है ना मन में। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, यही आपको बैलेंस्ड रखती है। पता है देखने में ये लगता है कि घर का काम है, ये क्यों करे वो क्यों करे, नौकर करेंगे घर के, लेकिन नहीं, ये चीजें आपको बैलेंस्ड रखती हैं। इनमें जब आप बिजी रहते हो ना तो और सारी फालतू की बातें नहीं आती दिमाग में। ओके, ये है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, और सारे कार्ड्स तो मैं निकाल ही रही हूँ, लेट्स सी और क्या इश्यूज आते हैं। बुद्धा, वेरी नाइस। और देख लेते हैं, प्रत्याहारा। ये कार्ड्स मैं यहां साइड से रखती जाती हूँ। बी प्रोएक्टिव, रिमेन सेंटर्ड। ये तो है ही दिक्कत, वो तो पता ही चल गया मुझे। ईट हेल्थफुल फूड, और ये जो कार्ड है ना ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ की बात करता है। ठीक है, इतना ज्यादा भी काम नहीं करना चाहिए कि अपने हेल्थ को इग्नोर करें आप लोग। और अभी कई लोगों को यहाँ पर ये लग रहा होगा कि अरे हम तो फिट हैं, है ना, लेकिन स्ट्रेस का बहुत ज्यादा होना, एंजाइटी में होना, ये भी अनहेल्दी ही होता है। हो सकता है कि आप जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अरे मैं तो हेल्दी हूँ, हेल्दी खा रही हूँ, खा रहा हूँ और मेरा डाइट प्लान बहुत अच्छा है, ये वो, लेकिन एंजाइटी तो है ना, स्ट्रेस तो है ना, वो तो कहीं नहीं चला गया, इमेजिनेशन। ओके, सॉरी, ग्रिफ। ओके गाइस, आपको दिख रहे हैं ना कार्ड्स, ब्लर तो नहीं हो रहे, मुझे बता देना। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे जब से मौसम बिगड़ा है तब से सब बेकार ही हो रहा है। ओके, और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, मेक प्लान्स एंड फोकस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ये आपके इंसिस्टर्स की तरफ से हैं कार्ड्स। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, यस। और ये बहुत कम लोग करते हैं इतना समझाने के बाद भी। शाक, क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट, यस। फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स और मैं आपको बताती हूं कि दिक्कत कहां पर आ रही है। हालांकि काफी कुछ तो मैंने बता ही दिया है आपको। ये कार्ड मैं कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ ऐसे। चलो, ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, ग्रीन जेट पेबल को चूज किया है, सारे कार्ड्स मैंने उनके देख लिए हैं, उनके एनर्जीज को महसूस किया है, और बहुत से लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो रात में सो नहीं पाते। हो सकता है बहुत हैवीनेस उनको फील होता हो जब वो सोने जाते हों बेड पर, तो थकान बहुत है लेकिन नींद नहीं आ रही, ये चीज होती होगी आपके साथ। आप मुझे बताना है या फिर नहीं है। आई एम श्योर ये है कि बहुत थकान है लेकिन नींद नहीं आ रही, और नींद अगर आती है ना तो ऐसी आती है जैसे ना पता नहीं चलता सो गए और फिर अचानक से कोई सपना आया, कुछ हुआ और एकदम हड़बड़ाकर जाग गए, वो चीज रहती है ना, हो सकता है वो रहती हो आपके साथ।
है ना। और उसका रीजन ये है कि जो चीजें आपके आसपास हो रही है ना, उन चीजों ने आपको पूरी तरीके से जकड़ लिया है, पकड़ कर रखा है, और आप उससे छूट नहीं पा रहे। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि जो माहौल है, जिस माहौल में आप हैं, एक आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, वैसा कुछ नया नहीं है, सभी के साथ ऐसा है। ऐसा भी आपके मन में आता होगा कि अरे मेरे ही साथ नहीं है ये, तो और भी लोगों के साथ है, मैं और भी लोगों से बात करती हूँ करता हूँ, तो वो भी बताते हैं कि भाई हमारे ऑफिस में भी ऐसा है, हमारे घर में भी ऐसा है, तो मैं इसको इतना ज्यादा क्यों सीरियस ले रही हूँ, मैं इतना ज्यादा क्यों इसको इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, मैं क्यों इसको इग्नोर नहीं कर पा रही, राइट। और चलो इग्नोर करते हैं, अब नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर भी वो बात जो है मन से नहीं निकल रही है ना। ये चीज भी आपके साथ होती होगी आई एम श्योर, क्योंकि वो मुझे फील हुआ। तो इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि आपकी जो बैटरी है ना, डिस्चार्ज हो गई है। हम सबके अंदर बैटरी होती है पता है, और उसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होता है? मेडिटेशन एंड योगा। तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं निकल रहा। हो सकता है कि आप जिम जाते हो सकता है आप वर्कआउट करते हो, मतलब नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है, लेकिन उससे इस बैटरी की चार्जिंग नहीं होगी। ये जो भरपाई है ना, ये उससे नहीं हो पाएगा, ये मेडिटेशन से ही होगा। योगा करोगे प्रॉपर तरीके से तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको यहां पर बोला गया है कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। आपको शांति चाहिए, आपको सुकून चाहिए सबसे पहले, तो पहले उसको इकट्ठा करने की जो भी इकट्ठा करने के प्रयास हैं वो आप करिए, ठीक है। प्लान्स बनाइए और उसके आधार पर काम करिए, ऐसे नहीं कि लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं लगे पड़े हैं। नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं लोगों के बारे में, किसी ने ऐसा क्यों किया, किसी ने ऐसा क्यों कहा, हम ऐसे माहौल में क्यों पहुंचे, हमें ये क्यों झेलना पड़ रहा है, तो ये सोचना बंद करो, क्योंकि ये सभी के साथ है, ट्रस्ट मी। आपने मुझे बोला था कम्युनिटी सेक्शन में कि आप हमें अपना एग्जाम्पल देकर समझाना, मैं आपको अपना एग्जाम्पल ही देकर समझाती हूँ आज, और यही एग्जाम्पल देती हूँ जो हमारे बीच है। जैसे कि जब मैं रीडिंग्स लेकर आई ना शुरू शुरू में, तो कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, कई लोगों ने मुझे बहुत गंदे गंदे कॉमेंट्स किए, ओके। वो था, मैंने कई बार सफाइयां दी, फिर मैंने सफाइयां देना भी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता लग चुका था कि इनके पास कोई काम नहीं है, ऐसी बातें करेंगे, राइट। उसके बाद जब मैं क्रिस्टल्स लेकर आई, ब्रेसलेट, वो भी मैं खुद की मर्जी से लेकर नहीं आई, मुझे कई लोगों ने बोला, पुश किया कि आप ब्रेसलेट्स लेकर आइए, और क्योंकि उस जब हम आपसे लेंगे ना, तो हमारे साथ में ये गारंटी होगी कि ओरिजिनल है, तो हमारा पैसा बेकार नहीं जाएगा। तो मैं क्रिस्टल्स लेकर आई विथ सर्टिफिकेट, ओके। और जिस प्राइस पर मुझे मिले, उसी प्राइस पर मैंने आपको सेल किया, राइट। लेकिन वहां पर भी कमेंट्स करने वालों ने कमेंट्स किए, पहले तो बहुत खुश हुए कि हाँ हमें ओरिजिनल मिल गया, उसके बाद फिर उसमें खामियां निकाली। किसी ने तो मुझे ये तक कमेंट किया, जो आप रुद्राक्ष दे रहे हो ना, ये 10 रुपए में मिल गया मुझे। तो मैंने कहा कि 10 रुपए में अगर मिल गया है तो मुझे भी बता दो, मैं भी ले आती हूँ, राइट। विद सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो कोई कमेंट नहीं आया। अभी जब मैं साई बाबा की विभूति लेकर आई हूँ, तब तो हद हो गया, जब लोगों ने देखा कि वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, तो वहां पर कॉमेंट किया कि ओरिजिनल नहीं है। और फिर कुछ किसी ने कमेंट ये भी किया, जब मैंने कहा कि भाई ओरिजिनल नहीं है, इतनी घटिया बात आपने कह दी बाबा की विभूति के लिए, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया शिपिंग चार्जेस ज्यादा है। मतलब उनका कहना ये था कि शिपिंग चार्जेस के नाम लेकर मैं रुपए ले रही हूँ, जबकि मैं खुद चैरिटी का काम करती हूँ, लाइक ऑर्फेनेज में और हर जगह लोगों की हेल्प करती हूँ, मैं ये 100 रुपए में कमाई कर लूंगी बाबा की विभूति से। तो मैंने उनको बोला कि आप खुद ही क्यों नहीं पिकअप करवा लेते हैं, एड्रेस मैं बता दूंगी, वहां से अपने कुरियर वाले से कहो कि वो घर से पिकअप कर ले, देखते हैं कौन सा कुरियर वाला आपका फ्री में दे देगा आपको। ये जो चार्जेस हैं इतने तो लगते ही हैं यार, मैं जिनसे कुरियर करवाऊंगी वो क्या फ्री में कर देंगे? मैं फ्री में कर भी दूं लेकिन वो क्या कर देंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो कहने वाले कहते ही हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे आपके बारे में घटिया बोलने के लिए। वो ढूंढेंगे जब उनको लगेगा ना कि अरे ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ तो वो इस तरीके की बातें करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान नहीं देना है कि कौन कैसा है क्या नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि हर तरफ से मुझे, अगर मैं फ्री रीडिंग सेशन करूं वहां पर भी गालियां देते हैं, अगर मैं चार्जेस लूं तो वहां पर भी बोलते हैं, राइट। अगर मैं पर्सनल रीडिंग्स चार्जेस पर कर रही हूँ ना, तो वहां पर भी बोलते हैं, फ्री का कर रही हूँ वहां पर भी बोलते हैं। तो इस आधार से तो मुझे ये करना चाहिए कि मुझे करना ही नहीं चाहिए काम, छोड़ ही दो, या मैं बस बिस्तर पकड़कर बैठ जाऊं रोने के लिए कि हाय मुझे ऐसे बोल दिया, देखो मुझे ऐसे समझ लिया, है ना। अगर मैं इस तरीके से करूं तो ना तो मैं अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाऊंगी, ना अपनी ड्यूटी पूरी कर पाऊंगी, है ना।
वही आपके लिए है। लोग आपसे क्या कह रहे हैं, आपके कॉलीग्स आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। आपको चिंता सिर्फ एक चीज की करनी है, आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और इतने एक्टिव रहें कि अगर कोई आपके लिए कोई प्लानिंग करता है, मतलब जैसे अगर आप ऑफिस में हो, आपको बाहर निकालने की कोशिश करी जा रही है, तो वहां पर आप अपने लिए फाइट कर सकें। दैट्स इट, इतना होना चाहिए। उसके बाद ओवर थिंकिंग नहीं है, यहां पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपने, क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी लो हो जाएगी और फिर जब फाइट करने का नंबर आएगा ना, तब आप फाइट नहीं कर पाओगे। यहां पर ये जो कार्ड्स हैं ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से आप डील करते हो इमोशनली जो कि टॉक्सिक है। आपको नहीं करना है ये चीज, भले ही वो आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। मैंने एक बार ही एक वीडियो में बोला था कि अगर आपके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक हैं, देन उनसे एक दूरी बना लो एक टाइम के लिए, जबकि आप खुद को भी हील करो और उनको भी हील करो। तो इस बात पर भी ऑब्जेक्शन थे। आप खुद बताइए, अगर आपकी फैमिली आपकी कार्मिक है तो क्या आप उनके साथ रहकर लड़ झगड़ कर उनको सुधार लोगे? नहीं कर सकते हो। आपको एक डिस्टेंस बनाना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। आप उनसे थोड़ा अलग रहें, उनकी हीलिंग करें, अपनी हीलिंग करें, जब सब कुछ सेट हो जाए वापस से फिर से मिल जाओ। लेकिन आप उनको फीड मत करो। यहां पर जो कार्ड्स में देख रही हूं उनमें यही दिखाई दे रहा है कि आप उनको फीड करते हो। जैसे किसी ने अगर आपको गलत बोल दिया ना, तो आप सोचते रहते हो उसने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, अब मैं उसे कन्विंस कैसे करूं, उसने मेरे लिए ऐसे कैसे सोच लिया। फिर आप प्लानिंग करते हो कि हम उनको खुश कैसे करें, वो हमारे लिए अच्छा कैसे सोचे। नहीं करना है आपको, ये टाइम एंड एनर्जी दोनों का बर्बाद करना है। ओके, आपको बोला जा रहा है किसी भी तरीके की गिल्ट में ना रहें, क्योंकि हमेशा आपकी गलती नहीं होती है, लोग आपकी गलतियां गिना देते हैं। ठीक है, दूसरा, आपको खुद में खुश रहने की प्रैक्टिस डालनी होगी। अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं या जो भी आप अपने लाइफ में करते हो ना, उसके लिए खुद ही सेलिब्रेट करो, खुद में एंजॉय करो। जब भी मन करे रूम में गए और सॉन्ग प्ले किया, डांस कर लिया, कहीं घूमने निकल गए, है ना, पेंटिंग कर ली, स्केचिंग कर ली। जरूरी है कि कोई सामने वाला आपको बोले कि हाँ आपने अच्छा किया, तभी अच्छा किया है, या चार लोग होंगे तभी पार्टी होगी। हमारी खुद के साथ भी तो पार्टी हो जाती। मैं तो यही करती हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता। मैं तो जब खुश हुई अपने रूम में गई, सॉन्ग प्ले किया और बढ़िया सा अपना जो जूस है वो ले आई, जो मुझे पसंद आता है हाँ मैं जूसेस ही पीती हूँ और फ्रूट्स वगैरह मेरा रहता है, वो ले आई, खा रही हूँ मस्ती से, कोई मूवी देख ली, कोई सीरीज देख लिया, कुछ नहीं तो जो अपने तिब्बतन कल्चर है मुझे बहुत अच्छा लगता है तो उसके बारे में कुछ सर्च कर लिया, बुक्स पढ़ ली, खुश हूँ, शॉपिंग कर ली, शॉपिंग करने में इंटरेस्टेड हूँ मैं, शॉपिंग करती हूँ ठीक है। तो इस तरीके से मैं सेलिब्रेट करती हूँ अपने साथ। उसके लिए जरूरी नहीं है कि ढेर सारे लोगों, अब हमारा काम ऐसा है कि कई लोगों से हम कनेक्ट होते हैं, कई लोगों की एनर्जीज हमसे जुड़ती हैं, तो हमें अच्छा बुरा मीठा कड़वा हर तरीके का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर हम इस तरीके से सोचें कि हाय हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे, तो हम तो जी ही नहीं पाए, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं और जो सजेशंस आपके लिए हैं वो क्या हैं, वो ये हैं कि आपको फाइंड करना है कोई ऐसी जगह आपके घर में या फिर किसी गार्डन में, देख लो कोई पेड़ देख लो, बहुत अच्छा रहेगा, ट्री, ठीक है, कोई एक ट्री देखो जहां पर आपको शांति मिले, वहां पर आप बैठो, मेडिटेशन करो, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाओ, जानने की कोशिश करो कि क्या चीजें आपको पसंद है क्या नहीं, क्या आपके लिए अच्छा है क्या नहीं, और उसी पर प्लानिंग करके काम करो आगे की, ठीक है। जो भी आपको पसंद है करना, उसकी प्लानिंग करो और फिर आगे का काम करना है कि ठीक है मुझे वापस से अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना है, मुझे घूमने जाना है, ओके तो हम घूमने चलते हैं, प्लानिंग कर ली, ठीक है, या मुझे कुकिंग करना पसंद है, या फिर मुझे गार्डनिंग करना पसंद है, मुझे पेंटिंग करना पसंद है, ठीक है आज हम वही करेंगे। तो इस तरीके से अपने प्लान्स बनाओ, उन पर फोकस करो, चिंता मत करो कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, वो उनका काम है, उनको करने दो। आपका काम क्या है, खुद का ख्याल रखना, तो आप वो करो, दैट्स इट, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। वैसे शुरू में मुश्किल होती है, मुझे पता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा था जब लोगों ने इस तरीके की बातें करी, बहुत दिल दुखा था मेरा कि यार मेरे इंटेंशंस कैसे हैं इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, मेरी बातें सुनने के बाद भी, मेरा इतना बोलने के बाद भी बुरा लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आदत पड़ गई, ओके बोलेंगे, अगर उनको इंटेंशन समझ भी आते हैं तब भी वो बोलेंगे, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, ये चीज हो जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान नहीं देना है। मैंने क्या सोचा उस वक्त कि मेरा काम है लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना, मैं वही करूंगी, अब जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मैं तो हील करूंगी जरूर,
और अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर चलूंगी और यही मेरा गोल है, मैंने पूरा करना है, दैट्स इट। तुम्हें जो करना है तुम करो, ठीक है। तो वही गांठ बांध लो एक बात की कि मैंने अपना गोल पूरा करना है, मुझे सक्सेस चाहिए तो चाहिए। अब उसके बीच में अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हैं आपकी प्रॉब्लम है, मुझे शांत रहना है, मुझे देखना है कि मैं खुद को खुश कैसे रखूं। हो गया, ओके। अगर आप ये सब कुछ फॉलो करते हो, मैंने बहुत कुछ बोला है आज, अगर आज आप ये समझ चुके हो और इसको फॉलो करते हो ना, तो बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, ट्रस्ट मी गाइस। और आज बहुत ही पर्सनल होकर मैंने ये रीडिंग करी है, मैंने बिल्कुल भी ऐसे रीडिंग नहीं करी कि हाँ एक कार्ड रीडर की तरह मैं रीड करूं और समझाऊं, नहीं। मैंने आप लोगों को बिल्कुल वैसे समझाया है जैसे मेरे पास कोई आता, मेरे अपने फैमिली का कोई होता यहां पर और मैं उसको समझा रही होती, बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको समझाया और उसी भाषा का प्रयोग किया है, बिल्कुल घरेलू तरह से। तो आई थिंक अब तो आपको समझ जाना चाहिए, अब भी नहीं समझ आया तो फिर मैं क्या ही कर पाऊंगी। ब्यूटी रिचुअल, ठीक है, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखें, आप स्पा करवा सकते हैं, पार्लर जा सकते हैं, सब कुछ करिए, इससे पता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये इसलिए नहीं करते कि दूसरों को हम अच्छे लगे, नहीं, इससे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। खुद को देखोगे ना मिरर में तो अच्छा लगेगा। लुक फॉर फेरीज, और यहाँ पर ये जो कार्ड ये बताता है कि अगर आपको बटरफ्लाइज वगैरह दिखते हैं और नहीं भी दिखते हैं तो आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये आपको एनर्जी देते हैं, बटरफ्लाइज, एनिमल्स, ये सारी चीजें, ठीक है। फैमिली, और अगर आपकी फैमिली के साथ में अच्छी बनती है देन फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करें। एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, जब आप नहाने जाते हो ना तो कैंडल्स रखा करो वहां पे, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप हील करोगे। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। और मैं यहां पर एक बारी टाइम भी देख लेती हूँ कि अगर आप ये सब कुछ करते हो तो कब तक इससे आपको छुटकारा मिलेगा इन सारी दिक्कतों से, ओके, और फिर हम ये रीडिंग क्लोज करते हैं। और हाँ, जो लोग एग्जाम्स के लिए बोल रहे थे कि एग्जाम्स के लिए आप रीडिंग कर दीजिए, तो वहां पर आई थिंक यस एंड नो का रीडिंग आपके लिए सही रहेगा, लेकिन आप फिर भी चाहते हो तो मैं कल ले आऊंगी इसका ये टॉपिक पे, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, ओके, कुछ लोगों के लिए 2 से 3 महीने में ही सब कुछ ठीक होने लग जाएगा इसके अंदर अंदर, या फिर 2-3 महीनों के बाद से, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर हो सकता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हो तो नेक्स्ट ईयर फरवरी तक आपका काम बन जाएगा, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने क्लियर कॉर्ड्स को चूज किया है और ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है जहां पर बर्थ मंथ्स हैं फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या निकल कर आता है, क्यों आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कैसे आपको इससे दूर रहना है, सब कुछ हम देखेंगे। पाइल नंबर 1 में तो उनकी तरफ से कम इश्यूज थे और लोगों की तरफ से ज्यादा थे, लेकिन मैंने उनको बताया कि उनको क्या करना है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। और लेट्स सी यहां पर क्या आता है आपके लिए। Four of Pentacles, Six of Pentacles. Guys, आपके साथ में इश्यूज पता है क्या है, सबसे ज्यादा आप बोलते बहुत कम हो, आप हो सकता है वाटर साइन हो, अगर वाटर साइन नहीं भी हो तो आपका दिल ना बिल्कुल बच्चों जैसा है। आपके साथ में ये है कि जैसे अगर कोई सिचुएशन बनती है ना लड़ाई झगड़े की, तो आप सोचते हो कि अरे चुप रह जाओ, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, कौन इतनी लड़ाई झगड़े में फंसे, कौन इतना बहस करे, चलो ठीक है, अगर हमारे चुप होने से शांति रहती है तो शांति रहने दो, है ना। और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि आप चुप रहते हो इसलिए कि शांति रहे, लेकिन सामने वाला सोचता है कि आप कमजोर हैं या फिर आप बेवकूफ हैं और चीजें बिगड़ जाती हैं, सामने वाला फायदा उठाता रहता है, ये होता है आपके साथ। शांति, अमन ये आप चाहते हो लेकिन पॉसिबल नहीं होता हमेशा ऐसा,
मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं भी ऐसी हूं, मैं भी सोचती हूँ शांति रहे, झगड़ा ना हो, ये वो, लेकिन नहीं, लोग सुनते हैं, क्या करोगे झगड़ा करने में मजा आ रहा है, बताओ क्या करो। ओके, सारे कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या कुछ है। लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस हो सकते हैं आप, आपके लिए बहुत मैटर करता है ना कि बैलेंस रहे दो लोगों के बीच में। अगर कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है तो शांति से बैठकर बात करी जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए, है ना, वही है ना। और आप जितना शांति चाहते हो उतना ही ज्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का बुरा लगता है, उनको लगता है अरे तुम अच्छे कैसे बन रहे हो, तुम्हें हम अच्छा नहीं बनने देंगे। तो ये है यहाँ पर आपके साथ। वैसे जो इशू है वो यही है आपका, चुप रहना। आप चुप तो रहते हो अच्छा सोचकर, लेकिन वो चीज आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है, मतलब बोलना चाहिए आपको, मैं यही कहूंगी। हर वक्त मत बोलो, लेकिन जहां पर जरूरत है बोल दो, ठीक है। भक्ति, ओके, सॉरी, कृष्णा, पॉलिटिशियन हो बताना मुझे, आप हो या आपकी फैमिली है, सॉरी, कोई है जरूर, पक्का। या फिर तो डॉक्टर हो, और या फिर तो आप चैरिटी वगैरह करते हो, तो हो सकता है एनजीओ हो आपका, है जरूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से लोगों के सामने रहते हो। इमेज की बहुत चिंता होगी ना आपको, इस वजह से भी आप कम बोलते होगे कि इमेज नहीं खराब हो जाए कहीं। Forgive yourself. सीधा सिंक्रोनिसिटी, प्रैक्टिस विजुलाइजेशन। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स। डर रहता है क्या, बहुत ज्यादा डर हेल्थ को लेकर, बड़ी बीमारियां नहीं हो जाए, स्पेशली जैसे टीवी, कैंसर, लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां, ऐसा कुछ है बताना मुझे। ओके, ये पाइल वन में भी आया था, वही मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी ना, चैंटिंग भी आया है आपके लिए कि आप चाहें तो पाइल वन देख सकते हैं, शायद वो आपसे रेजोनेट हो जाए। मुझे शुरू में ही लगा था कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि फाइव ऑफ सोर्ड्स है, अच्छी एनर्जी नहीं होती। फाइव ऑफ सोर्ड्स पता है किसके लिए होता है, बहुत से लोग हैं जो आपसे जलते हैं, हमेशा इस ताक में रहते हैं कि आपका नुकसान कैसे कर दें, आपकी इमेज कैसे बिगाड़ दें। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। लेकिन आपकी भी तो एक आदत है, आप दूसरों के बारे में सोच सोच कर ना, जो आपके लिए अच्छा है उसको इग्नोर ही कर देते हो, जो लोग आपके लिए अच्छे हैं उनको आप खुद ही अपनी लाइफ से बाहर निकाल देते हो, सिर्फ इसलिए कि ये लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये होता है आपके साथ। तो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बहुत कम है आपके, मुझे नहीं लगता कि कंपनी अच्छी है आपकी। एक दो मुश्किल से कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपके लिए अच्छा सोचते होंगे, बाकी के तो बस बातें करने के लिए हैं, गोल्ड।
यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू. सन ड्रेस डू इट फॉर यू. हाँ वही आ रहा है, किसी पर रहना नहीं है डिपेंड. ये क्या से अफर्मेशन निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है. ओके मैं आपको बताऊंगी क्या करना है. हैप्पीनेस. अरे वाह, चलो तो ये कार्ड्स हैं आपके. कैमरा ठीक करूं थोड़ा, अभी दिख रहे होंगे है ना. चलो ओके गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर टू को चूज किया है, मैं फिर से वन बोल रही थी, आप चाहें तो वन देख सकते हैं ठीक है. ग्रुप नंबर टू को चूज किया है, क्लियर कॉर्ड्स को चूज किया है, क्यों वो ग्रो नहीं कर पा रहे अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, और किस तरीके से जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो छुटकारा पाए. सबसे अच्छा तरीका है कि आप अध्यात्म से जुड़ें. ओके अध्यात्म से जुड़ने का मेरा वो मतलब नहीं है कि आप फिर किसी गुरु को ढूंढने लग जाओ, जो कि आजकल लोग बहुत कर रहे हैं आडंबर. हम सभी को पता है गुरु बन के क्या करते हैं. हर किसी के लिए मैं नहीं कह रही, सभी ऐसे नहीं होते. मैं भी कुछ लोगों को जानती हूँ, कुछ गुरु हैं जिनको जानती हूँ जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है राइट. तो आंख बंद करके किसी को भी फॉलो करना वो नहीं कह रही मैं, लेकिन भक्ति का वो मतलब भी नहीं होता कि आप किसी गुरु को ढूंढो. भक्ति का मतलब है प्रभु के शरण में जाना, और उसके लिए प्रभु के शरण में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप इन सब लोगों को फॉलो करो ठीक है. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप किसी गॉड या गॉडेस की के बारे में जाने, और जिन जो भी आपको अच्छे लगते हैं उनको आप चूज करें और उनकी भक्ति करें, उनके बारे में पढ़ें ठीक है. जैसे यहाँ पर आपके लिए कृष्णा का कार्ड आया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप गीता का, भगवत गीता जो हमारी है, उसका अध्ययन करें. आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको वहां से मिल जाएंगे. एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम अध्यात्म से दूर होते हैं ना, तो हमें उस वक्त फील नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम खुद से खुद का कनेक्शन तोड़ लेते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम अपनी फैमिली से अगर दूर हो जाए, या हमारे पर से हमारे बड़ों का साया हट जाए, तो वो अकेलापन हम महसूस करते हैं राइट. जैसे हमारे अगर मम्मी पापा साथ नहीं है, हमें हमेशा ये लगेगा कि हम अकेले हैं है ना. भले ही हम अपने मम्मी पापा के साथ रहकर भी अपने डिसीजन खुद ही ले रहे हों, लेकिन फिर भी हमें एक सहारा सा लगता है कि हाँ मम्मी पापा हैं, या हमसे कोई बड़ा है, हमारे भाई बहन है हमसे बड़े हैं है ना. वो चीज रहती है, सहारा सा रहता है. वही भक्ति के साथ भी होता है, वही अध्यात्म के साथ होता है. हम उससे अलग नहीं हो सकते. जो लोग ये कहते हैं कि अध्यात्म नहीं है, भगवान नहीं है, ये वो बोलते तो वो हैं, लेकिन अगर आप उनके जीवन में झांकने की कोशिश करोगे ना, तो खालीपन सा पाओगे, क्योंकि वो हमारी रूट है, हम उससे अलग नहीं हो सकते. अगर हम अलग होंगे भी ना, तो वैसे ही होगा जैसे कोई पौधा आप उखाड़ कर फेंक दो, कुछ दिन तो चलेगा फिर मुरझा जाएगा है ना, वो चीज है. तो भक्ति से तो अलग नहीं होना चाहिए. अब यहां पर जैसे कि कार्ड्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई वजह ऐसी रही हो जिसकी वजह से आपने अध्यात्म से अपना कनेक्शन खत्म कर लिया, या फिर आप ऐसी फैमिली से हो जहां पर मानते नहीं है भगवान में, इन चीजों में है ना. तो मैं कह नहीं सकती अभी किसकी क्या सिचुएशन रही हो, क्या मजबूरी है या क्या सोच है, मुझे नहीं पता. लेकिन आपके लिए अगर मैं गाइडेंस दूं, मतलब जो कार्ड्स में आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप किसी से कनेक्ट हो. ओके चाहे महादेव से, चाहे गणपति बप्पा से, चाहे कान्हा जी से, जो भी आपको अच्छे लगे, जिनकी स्टोरीज पढ़ने के बाद में आपको लगे कि इनके साथ में मेरा कोई कनेक्शन लग रहा है, बन रहा है. ये कहते हैं ना कि भगवान तो एक ही है लेकिन रूप कई हैं. ये रूप क्यों है अलग अलग, ये सिर्फ इसीलिए अलग अलग हैं क्योंकि हर व्यक्ति को ये चांस दिया गया है कि वो अपने अनुसार जिस रूप को चाहे उस रूप को पूजे राइट. फोर्स नहीं किया जाता कि आपको प्रभु के इसी रूप को पूजना है, जो आपको अच्छा लगे आप उस रूप को पूजोगे ना, तो बेहतर तरीके से पूज पाओगे और उनको फॉलो भी कर पाओगे. इसीलिए उनके इतने सारे रूप है. तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उस रूप को चुनो. अब यहां पर कृष्णा का कार्ड आया है, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप भगवद गीता पढ़ो है ना. पढ़ोगे, सवालों के जवाब मिलेंगे, जो खुशियां आप चाहते हो खुशियां आपको मिलेंगी, ग्राउंडेड रहोगे, और आपको ये भी समझ आएगा कि कहां पर आपको चुप रहना है, कहां पर आपको बोलना है. हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप चुप रहते हो ये सोच करके शांति रहे, और वो सही भी है, हम लोग ये करते भी हैं. यही कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, चुप रह जाओ है ना, थोड़ी शांति करो, ठंड रखो, क्यों परिवार में फूट डालना ये सब.
समटाइम्स हमें बोलने की जरूरत होती है। अब यहां पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आप ही ढूंढोगे, आप ही करोगे तो कुछ होगा। कर्म प्रधान जीवन है आपका, मतलब आप कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे ये सोचोगे कि खुद ब खुद हो जाएगा, कोई और कर लेगा, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दो कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको बता रहे हैं डू इट योर डू इट फॉर यू, यानी कि खुद के लिए ही आपने सब कुछ करना है। किसी और का वेट मत करो, किसी और से एक्सपेक्ट मत करो कि कोई और कुछ ठीक कर देगा, नहीं। और ठीक करने के लिए अगर बोलने की जरूरत पड़ती है तो भाई बोलो, हो सकता है वो चीज आपको शुरू में बुरी लगे लेकिन वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अदरवाइज ना आप अपनी पहचान खो दोगे एक टाइम के बाद। ओके, जैसे पाइल वन में ये था कि खुद पर फोकस करो, खुद के बारे में सोचो, दूसरा क्या बोल रहा है क्या कर रहा है आपने नहीं ध्यान देना है। आपके लिए बिल्कुल उसका उल्टा है, आपके लिए बोला जा रहा है कि भाई बोलो, अगर कोई आपको तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है तो आवाज उठाओ, बात करो। क्योंकि नहीं करोगे ना बात तो सामने वाला ये सोचेगा कि या तो आप कमजोर हो या आप बेवकूफ हो, और आप दोनों ही नहीं हो, आप काइंड हो, है ना, आप दयालु हो, लेकिन आपकी दयालुता को समझा नहीं जाएगा, वो यही समझेंगे कि इनको कुछ आता ही नहीं है, तो इनका जैसे चाहो वैसे फायदा उठाओ। बहुत ज्यादा गिविंग नेचर है आपका, और अच्छा है गिविंग नेचर है, क्योंकि जिनका गिविंग नेचर होता है ना वही चैरिटी कर पाते, लोगों की हेल्प कर पाते। लेकिन ये लोगों को पता होना चाहिए कि आप ये कर रहे हो जानकर कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बेवकूफ है ना, बस ये मैं बोल रही हूँ, लोगों को इन्फॉर्म करो, बताओ कि आपको समझ आता है, ऐसा नहीं है कि आप बुद्धू हैं। ठीक है, आपके कार्ड्स मैं रीड कर रही हूँ तो मुझे पता है कि आप कैसे हो। वो लोग तो कार्ड्स नहीं रीड करेंगे ना, तो उनको तो यही लगेगा कि इनको तो कुछ आते ही नहीं है, राइट? वो चीज है, कुछ भी करने से पहले और अपनी बात रखने से पहले बेहतर होगा कि आप विजुलाइज करें कि जो आप कहने जा रहे हैं ना वो लोग सुनेंगे। अगर आप विजुलाइज करोगे ना तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो एक तरीके से आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको जो भी चाहिए लाइफ में उसको आप पहले मैनिफेस्ट करो, पहले मैनिफेस्ट करो, और मैनिफेस्टेशन की जो विजुलाइजेशन वाली टेक्निक है वो अपनाइए। विजुलाइज हम कैसे करते हैं, जैसे मान लो आपको आपके पेरेंट्स से बात करनी है, ठीक है, किसी भी बारे में, और आप चाहते हैं कि वो कन्विंस हो जाएं, तो आपको पहले ना उसको विजुलाइज करना है। सुबह आप उठे, सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आप का जो एनर्जी लेवल है ना काफी हाई रहता है, पॉजिटिव होता है उस वक्त। ठीक है, उस वक्त आप उठे, आपने फिर से आंखें बंद की और ऐसे सोचा, ऐसे इमेजिन किया कि आपके मॉम डैड बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हो, और आपके जो मम्मी पापा है ना वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और मान भी गए आपकी बात को, है ना, और आपको चांस दे दिया जो आप करना चाहते हैं उसके लिए, ऐसे विजुलाइज किया। बेशक ये सुनने में पागलपन लग रहा होगा, जब मैं बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा होगा ये क्या बात हुई, लेकिन आप करके देखो ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और इसमें कौन से आपके पैसे पड़ रहे हैं, है ना, तो प्रैक्टिस करके देख लो एक दो बारी, राइट? वैसे करते तो 21 दिन है लगातार। ठीक है, तो इसको डेली आपको करना है, सुबह जागने के बाद में, सोने से पहले, और उसके बाद जब आपको अंदर से ये आवाज आए कि अभी टाइम सही है, अभी जाकर बात करनी चाहिए, बस तभी बात कर लो। मैं तो अपने काम ऐसे ही बनाती हूँ सच में, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और कान्हा जी को अपना आदर्श मानो, उनके बारे में पढ़ा करो, उनके बारे में थोड़ा और जानो, उनके जैसे बनने की कोशिश करो। अभी देख लो कान्हा जी के बारे में ना, जब कोई बात करता है तो ये कहते हैं अरे वो तो गोपियों के साथ में नृत्य किया करते थे, बहुत खुश रहते थे, उनकी तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं थी। उनके बारे में पढ़ा है कभी, कैसी लाइफ थी उनकी, जन्म उनका जेल में हुआ, बाद में किस तरीके से वो यशोदा माँ के पास गए, उसके बाद उनका जीवन कैसा रहा, है ना, जिनसे प्रेम किया उनके साथ में विवाह भी उनका नहीं हुआ। बेशक हम कहते हैं कि वो एक ही हैं, लेकिन जो दर्द था वो तो उन्होंने फील किया है ना, हम जानते हैं कि हाँ एक ही है, लेकिन तो क्या हुआ, राइट? इंसान के रूप में थे वो, तो उन्होंने फेस किया ही है ना सब कुछ, तो बड़ा आसान नहीं था जीवन उनका। देखने में लगता है हाँ बड़े खुश रहे होंगे, अब कभी पढ़ो उनके बारे में ध्यान से, ठीक है, तो किस तरीके से वो सब कुछ उन्होंने फेस किया, किस तरीके से बाहर आए, वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी इसमें। आप वही तो चाहते थे ना कि मैं आपको बताऊं कि क्या करने से आपकी ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, ये करने से होंगी। भक्ति से जुड़ो, कान्हा से जुड़ो, और अगर कान्हा से आपका मन नहीं लगता है तो जिनसे भी मन लगता हो उनकी भक्ति करो। भक्ति करोगे धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आओगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाएंगी, और
फॉरगिव करो खुद को भी दूसरों को भी, अगर किसी तरीके का गिल्ट है मैंने ये गलती करी वो गलती करी, फॉरगिव करो खुद को करो दूसरों को भी करो, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है कि कितना टाइम लगेगा आपको इस सब से बाहर निकलने में अगर मैंने जो बताया है वो आप फॉलो करते हो तो। दिसंबर तक काम आपका हो जाएगा, कुछ लोगों का तो सितंबर और कुछ लोगों का दिसंबर तक काम हो जाएगा, जो भी इश्यूज हैं आपके निकल जाएंगे, पर्सनल लाइफ में हो प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपके आसपास लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा मतलब जलने वाले हैं आपके लिए, अच्छा नहीं सोचते बुरा सोचते हैं प्लानिंग करते रहते हैं, वो भी हट जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप एक बार आओ तो इसमें कुछ नहीं करो, बस भगवद गीता ले लो ठीक है, इतना काम करो और रीड करना शुरू कर दो। और अगर आपका मन नहीं लगता है तो मैंने कहा ही है आपको कि जिनमें आपका मन लगता हो उनकी आराधना करो, लेकिन भक्ति में जाओ, भक्ति में जाओगे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद मिलेंगे। एक बार ही ट्राई करके देख लो ठीक है, ट्राई करके देख लो, कोई पैसा नहीं पड़ रहा ना आपसे, एक बार ही ट्राई करके देख लो बस ठीक है। इमेजिनेशन, मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए बोला था, मैंने बोला था इमेजिन करो, और ये दो अफर्मेशन आपको चैंट करने हैं हर दिन ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो, आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।